दोस्तों क्या आपकी स्किन ऑयली है, आपके फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और आपका फेस एकदम चिपचिपा ऑयली ग्रीसी सा हो जाता है और गर्मियों के मौसम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में वातावरण में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो हवा होती है वो बैक्टीरिया और एलर्जी से भरी हुई होती है जो स्किन के पोर्स को बंद कर देती है, जिससे मुहासे, एक्ने, पिंपल्स, छोटे छोटे से रेड रेड से दाने पूरे फेस पर दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोगों के फोरहेड पर या माथे पर बहुत ज्यादा दाने छोटे छोटे से नजर आने लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #ritu12। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो को वॉच करें और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आते हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उन सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में ऑयली स्किन टाइप के लिए दो फेस पैक शेयर करने वाली हूं जो कि बिल्कुल नेचुरल है, होममेड है और ये फेस पैक ऑयली स्किन टाइप के लिए बहुत इफेक्टिव सिद्ध होंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो हमारा पहला फेस पैक होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए हम रोज पाउडर का या गुलाब के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके पास में ये रोज पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश रोज के फ्लावर ले सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से फेस पैक बनाना बताऊंगी कि रोज पाउडर से कैसे बनाते हैं और रोज का जो फ्रेश फ्लावर होता है उससे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 1 स्पून भर के रोज पाउडर ले लिया है और ये रोज पाउडर बिल्कुल प्योर है क्योंकि इसको मैंने अपने घर पर रोज के फ्लावर को सुखाकर इसको तैयार किया था। अगर आप भी प्योर सा रोज पाउडर अपने घर पर बनाना चाहते हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पर दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं रोज पाउडर को घर पर कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, गुलाब में विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के टिश्यू को रीजनरेट करने में मदद करते हैं और जो गुलाब होता है ये हमारी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रदान करता है और जो हमारे फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कम करता है और हमारी स्किन पर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे हमारी स्किन टाइट और ब्राइट बनती है। अब मैं इसमें 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करूंगी। मुल्तानी मिट्टी फेस पर लगाने से जो आपकी स्किन की बाहरी सतह में जो ऑयल होता है, जो गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है, निकल जाती है और यह फेस से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डेड सेल्स को रिमूव करती है, जो हमारा अनइवन स्किन टोन होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको भी खत्म करती है, स्किन को ग्लोई बनाती है और इससे बनने वाले जो बहुत सारे फेस पैक होते हैं वो सारे स्किन टाइप के लोग इनको यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को बेदाग और निखरा बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 से 2 स्पून करके रोज वाटर ऐड करूंगी और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्सअप करूंगी और तब तक मिक्सअप करूंगी जब तक कि सारी चीजें एक सार ना हो जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा रोज फेस पैक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास में फ्रेश रोज फ्लावर है तो आप क्या करें, उनकी पेटल्स को, उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लीजिए, आप उसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ऐड करिए, मिक्सअप कर दिए और ये आपका जो फेस पैक होगा रोज का वो तैयार हो जाएगा क्योंकि जो हमारा पेस्ट बनेगा उसमें इतना मॉइस्चराइजर होगा कि आपको अलग से रोज वाटर ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दूसरा फेस पैक बनाते हैं जिसको बनाने के लिए मैंने कुकुम्बर पाउडर या खीरे के पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया था और उसमें 1 स्पून कुकुम्बर पाउडर ले लिया है जो कि बिल्कुल प्योर है। उसको मैंने अपने घर पर खीरे को सुखाकर बनाया था क्योंकि मैं मार्केट वाली चीजों पर बहुत कम बिलीव करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप जिन जिन चीजों को अपने घर पर बना सकते हैं तो आप उसको जरूर बनाइए क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिट्स देंगी आपको। और घर पर कुकुम्बर पाउडर कैसे बनाते हैं अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के आई बटन पर दिया गया, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, खीरे में विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी भरपूर मात्रा में मौजूद होती हैं
और ये एंटी रिंकल्स का भी काम करता है। और इसके लगातार यूज करने से, खीरे को खाने से और इसको फेस पर लगाने से, जो झुर्रियां होती हैं, जो रिंकल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर मैंने इसमें 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी को ऐड किया है और 1 से 2 स्पून रोज वाटर को ऐड करेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कुकुम्बर का फेस पैक जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप फ्रेश कुकुम्बर से इस फेस पैक को बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कुकुम्बर लीजिए और उसको छिलके को हटाकर उसका एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी को ऐड कर लीजिए और आपका जो फेस पैक है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आइए अब हम इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। और इसको अप्लाई करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से पानी से धुल लिया था। आधे फेस पर इस रोज फेस पैक को और आधे फेस पर इस कुकुम्बर के फेस पैक को अप्लाई, आप देख सकते हैं मैंने दोनों फेस पैक को अपने आधे आधे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे फेस पैक को 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और हाँ, आपको कोई सा भी फेस पैक जो है वो बिल्कुल भी क्या है कि कड़क सा ड्राई नहीं करना है कि वो आपकी स्किन पर क्या है कि खिंचाव उत्पन्न करने लगे। ऐसा भी कोई सा भी फेस पैक आप अपने फेस पर तो उसको कड़क ड्राई ना करें, हाफ ड्राई करें। जैसा कि मेरा आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको हाफ ड्राई किया है। अगर आप इसको कड़क ड्राई करेंगे तो नेचुरल ऑयल होगा एक्स्ट्रा ऑयल के साथ साथ में, वो भी रिमूव हो जाएगा और आपका फेस बिल्कुल रूखा बेजान दिखने लगेगा और आपके जो रिंकल्स हैं उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी। इसलिए आप कोई सा भी फेस पैक लगाएं, उसको हाफ ड्राई ही करें। अब मैं इसको ठंडे पानी से धो लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है और मेरे फेस पर ठंडक सी फील हो रही है और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि इसकी जो रोज की जो स्मेल थी के मन को बहुत सुकून देगी, बहुत शांति देगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए फेस पैक बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने फेस पर ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर यूज़ करें, एक बार तो बनता है। और इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस हो वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे से वीडियो बनाती रहूँ। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आपके एक्सपीरियंस है, सजेशंस है, उनको भी कमेंट बॉक्स पर शेयर। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।